हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिग बैश लीग का जो 51वां मैच है सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में, उसकी 11 विकेट फैंटासी टीम क्या हो सकती है, आप किसे कप्तान बना सकते हैं, कौन आपका वाइस कैप्टन हो सकता है और वो जो 12th मैन का एक ऑप्शन है उसमें आप किसे रखें। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा शो। लेकिन आपको ये बता दें कि क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप जरूर हमें फॉलो करें, लाइक करें हमारा टेलीग्राम पेज जो इस वक्त नीचे लिंक है, और 11 विकेट ऐप भी आप नीचे दिए लिंक से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिग बैश लीग में 51वां मैच है सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में, इसकी 11 विकेट फैंटासी टीम पर अगर हम नजर डालें, सबसे पहले हम विकेट कीपर्स की बात कर लेते हैं। और हमारी इस टीम में 2 विकेट कीपर हैं, आप भी जरूर उन्हें रख सकते हैं। और ये नाम है एलेक्स कैरी का, जिनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है। एलेक्स कैरी ने 10 पारियों में 381 रन बनाए हैं। और दूसरी तरफ जो नाम आ रहा है वो है सैम बिलिंग का, रिकॉर्ड धाकड़ बल्लेबाज, इंग्लैंड के बल्लेबाज। तो इन 2 खिलाड़ियों को विकेट कीपर के तौर पर आप रख सकते हैं। इसमें हमने तो कैप्टन भी बनाया है एलेक्स कैरी को। तो विकेट कीपर्स की बात हो गई एलेक्स कैरी और सैम बिलिंग, अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजी में सबसे पहला नाम जो आता है इस टीम में वो है वन एंड ओनली इंग्लैंड के ही एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स की अगर बात करें तो बड़ा शानदार सीजन रहा है हेल्स का। अब तक हेल्स के नाम इस सीजन में लाजवाब तरीके से रन आए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस टीम में हमने कैलम फर्ग्यूसन को भी रखा है, साथ ही साथ इस टीम में वेदर हेराल्ड भी हैं और पी सॉल्ट भी हैं। तो ये 4 बल्लेबाज जो हमारी इस टीम में मौजूद हैं। और अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की, यानी ऑलराउंडर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अगर कोई भी फैंटासी टीम हो, क्योंकि वो बल्ले से भी आपको रन बनाकर देते हैं और गेंद से भी विकेट निकालते हैं। और हमारे इस टीम में जो 2 ऑलराउंडर हैं वो हैं एक बेन कटिंग, पावरफुल हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, सबसे लंबा छक्का आपको याद होगा बेन कटिंग का, और साथ ही साथ नेसर, जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों इस सीजन में कमाल की चल रही है। तो ये 2 ऑलराउंडर्स हमारी टीम में मौजूद हैं। और अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन होंगे वो गेंदबाज हमारी टीम में। और बात अगर गेंदबाजों की करें तो ये 3 गेंदबाज हमारी इस टीम में मौजूद हैं, जिसमें पीटर सिडल बहुत अनुभवी गेंदबाज, 20 विकेट भी ले चुके हैं इस सीजन में, यानी जबरदस्त रंग में है। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो 16 विकेट लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं युवा सांगा। और तीसरे गेंदबाज हमारी टीम में ग्रीन भी मौजूद हैं। तो ये देखा आपने हमारी टीम, और इस टीम में हमने जो कप्तान बनाया है वो एलेक्स कैरी को बनाया है। इसकी वजह आप जान रहे हैं, 381 रन इस सीजन में, 100 से ज्यादा की औसत, लाजवाब रंग में है। तो अगर वो कप्तान रहते हैं, रन भी बनाते हैं, तो जाहिर तौर पर जो पॉइंट्स है वो आपको और भी ज्यादा मिलेंगे, यानी डबल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमने वाइस कैप्टन एलेक्स हेल्स को रखा है, एक और इंग्लैंड के खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है इस सीजन में। और जब 11 विकेट हमें एक ऑप्शन देता है 12वें खिलाड़ी का, तो यहां पर हमने ट्रेविस हेड को लाया है। वजह यह है कि ट्रेविस हेड अच्छे रंग में भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ कभी कभी उनकी जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी है वो भी विकेट दे जाती है। हम आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रहे हैं, जैसे 11 विकेट आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना वाइस कैप्टन बदल सकते हैं, तो हम भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। वाइस कैप्टन आप फर्ग्यूसन को भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे रंग में है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सांगा, जो अब तक 16 विकेट इस सीजन में ले चुके हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं वाइस कैप्टन के तौर पर। और एक और बल्लेबाज वेदर हेराल्ड को भी आप बना सकते हैं अपना वाइस कैप्टन। तो भाई हमने अपनी टीम बता दी है, जो फैंटासी टीम 11 विकेट की है वो हमने आपको बताई है, और जिस तरीके से हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल थे उसको देखते हुए इन खिलाड़ियों को हमने लिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। लेकिन एक गुजारिश यही है कि आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फीडबैक अपना दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, दीजिए इजाजत, बाय बाय।